आज है 16 जून 2024 और संडे का दिन है। आज से बाड़मेर से चलकर ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी संख्या 14888 गाड़ी पहली बार LHB लिंक के हाफ मेन बुश कोचेस के साथ चल रही है। एक लिंक के हाफ मेन बुश की कीमत 1.68 करोड़ रुपए का एक कोच आता है। तो ये इसको रेलवे तब्दीली कर रही है इसके लगातार WDG 314 के साथ। ये बाड़मेर ऋषिकेश जबरदस्त पैक है। इसमें पहले AC सेकंड का एक डब्बा होता था और 5 AC 3 टायर और 5 ही स्लीपर के क्लास के डब्बे होते थे। तो AC स्लीपर से एक और जनरल स्लीपर से एक डब्बा हटा के 15 डब्बे की कर दी। पहले 17 डब्बे की गाड़ी हुआ करती थी। LHB के अंदर सीटों की संख्या ज्यादा होती है और इसकी लंबाई भी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है 2024 का डब्बे। ये सब 2024 के डब्बे हैं। ये देखिए 24 सारे 2024 के निर्माण किए हुए। LHF ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला रायबरेली और ICF में चेन्नई के अंदर इसके कोच बनते हैं। ये जनरल है, एक और दो जनरल है। इनकी खिड़कियां भी आप देखेंगे अपेक्षाकृत काफी बड़ी होती है, स्पेशियस होती है और लंबाई भी बड़ी है इनकी। और ये इसका गार्ड का डब्बा है SLR। जोधपुर के रास्ते बाड़मेर से आने वाली, बठिंडा के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी संख्या 1488 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मियाथा प्लीज ट्रेन नंबर 1488 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस फ्रॉम बाड़मेर से आने वाली बठिंडा के रास्ते ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी संख्या 1488 ऋषिकेश एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मियाथा प्रतीक्षा प्लीज ट्रेन नंबर 1488 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस फ्रॉम बाड़मेर दोस्तों नमस्ते। आज है 16 जून 2024 संडे का दिन और आज से जैसा हम सभी को पहले से याद था,
16 जून को गाड़ी संख्या 14888 बाड़मेर से चलकर ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी जो अब तक आईसीएफ के कोच से चला करती थी वह अब अत्याधुनिक नए नवेले बिल्कुल ब्रांड न्यू एलएचपी कोचेस के साथ रिप्लेस हो गई है, परिवर्तित कर दी गई है। आज के दिन से ये चलेगी। इसमें कुल एक दो जनरल के डब्बे और दो पीछे चार जनरल के डब्बे, कुल चार डब्बे जनरल के, एक ईओ, एक लास्ट गार्ड का डब्बा और पांच थर्ड एसी, पांच स्लीपर क्लास के डब्बे और एक फर्स्ट सेकंड एसी के डब्बे हैं। कुल मिला के 15 डब्बों की कंपोजिट गाड़ी है। इससे पहले आईसीएफ के अंदर चलने वाली गाड़ी ये 17 डब्बों से चला करती थी। आपको बताएं कि आईसीएफ जो कोच है वह इसकी तुलना में काफी अलग था और वह परंपरागत रूप से पुराना डब्बा था। इसके अंदर एरोडायनेमिक के डब्बे हैं, सीटें बड़ी हैं, स्पेशियस है, 72 सीटों की एक एसी थ्री कैपेसिटी है और ऊंचाई भी ज्यादा है, बड़ी खिड़कियां हैं, वो बहुत ज्यादा आरामदायक है। और उसके अलावा एंटी स्किडिंग और पलट सोने पर ये बिल्कुल दुर्घटना में यात्री को बहुत कम नुकसान करती है और सारा का सारा झटका खुद सहन कर लेती है, इसलिए एक्सीडेंट प्रोन है। और साथ में ये 160 की स्पीड पे इसको पास की हुई है जबकि ये 200 किलोमीटर तक स्पीड में चल सकते थे और ये तेज गति के लिए बनाए गए हैं। इनका वेट भी कम है आईसीएफ की तुलना में। एक डब्बे की कीमत 1.68 करोड़ रुपए है। जो ये डब्बे सभी आईसीएफ कपूरथला, रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और आईसीएफ कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाए गए हैं तीनों। ये सन 2000 में ये इनके हॉफमैन बुश के द्वारा टेक्नोलॉजी के डब्बे कराते हैं, ये जो कि जर्मनी के थे। 2000 के बाद इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद इसे इंडिया में बनाए जाने लगा है और ये डब्बे लगातार भारतीय रेल रिप्लेस करे जा रही है आईसीएफ के थ्रू। तो इसकी डिटेल में हम आपको चर्चा करेंगे क्यों आईसीएफ से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो बने रहिए, गाड़ी का सिग्नल होने वाले। मैं आपका दोस्त हूँ राकेश शर्मा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आज का रूप है WDG4 जो इसको लेके जा रहा है। थैंक यू। यात्रियों की सुविधा हेतु बाड़मेर ऋषिकेश और ऋषिकेश बाड़मेर एवं ऋषिकेश श्री गंगानगर, गंगानगर से ऋषिकेश एक्सप्रेस रेल सेवाएं LHB रेक से संचालित की जाएंगी। गाड़ी संख्या 14888/14887 बाड़मेर ऋषिकेश, ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा दिनांक 16/6/24 से एवं ऋषिकेश से आने वाली 18/6 से LHB को से संचालित होगी और उसी प्रकार 14816/14815 ऋषिकेश श्री गंगानगर और गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस वह 17/6 से एवं गंगानगर से दिनांक 18/6 से LHB को से संचालित की जाएगी। इस रेल सेवा में LHB रेक के अंदर 1 सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 4 सेकंड शयनयान, 4 साधारण सीटिंग है, 2 आगे 2 पीछे, 1 पावर कार, 1 गार्ड के डब्बे सहित कुल 15 डब्बे होंगे। ये दानापुर बीकानेर एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस। एक टिकटी की नई लिवरी है।